मैं देश के हर मतदाता को, जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं देश भर के सभी दलों, सभी उम्मीदवारों का भी अभिनंदन करता हूं। सभी की सक्रिय भागीदारी के बिना लोकतंत्र की ये विराट सफलता संभव नहीं थी। भाजपा के, एनडीए के हर कार्यकर्ता साथी को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू है। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने दो कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे। और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया, वो आज सफलता को चूमने लगी है।